गुड इवनिंग व्यूअर्स आई एम डॉक्टर असीम शर्मा और इस हफ्ते हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आप सब फेस करते हैं स्प्लिट स्प्लिटेंट्स वील सी वाई दिज हैपन हाउ दिज हैपन कॉज क्या है एंड इसको ट्रीट या टैकल कैसे करना है सो द फर्स्ट क्वेश्चन यू पुट टू मी वॉज वॉट आर स्प्लिट एंड्स सो द मेडिकल टर्म फॉर स्प्लिट एंड्स इज ट्राइकोक्टिलोसिस ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पे आपके जो हेयर एंड्स हैं ब्रेक इन टू टू थ्री और फोर पार्ट एंड सिंपली पुट दिस इज वॉट इज कॉल्ड स्प्लिटेंट्स मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जैसे कि आपका हेयर फाइबर है जिसमें ये पांच कॉर्टिकल फाइबर्स हैं ये इकट्ठे जुड़ते हैं एक सुरक्षा कवच या प्रोटेक्टिव कवर से जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं जो कोई चीज इस क्यूटिकल को डैमेज करेगा वो आपके बालों को ओपन अप करके टू स्प्लिट्स थ्री स्प्लिट्स या फोर स्प्लिट्स ऐसे बनाएगा जो मैं आपको इन डिटेल थोड़ी देर में बताऊंगा सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्ट वॉज वट आर दीज कॉजेज ये क्या चीज़ें हैं जो इस कवर को डिस्ट्रॉय करती हैं द फर्स्ट थिंग इज हीट द सेकेंड थिंग इज एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल ट्रामा या स्ट्रेस जिसमें आपका हेयर मैनिपुलेशन भी आता है जो आप खुद करते हैं द थर्ड थिंग इज हार्श केमिकल्स फिर एज से जो रिलेटेड चेंजेस होते हैं प्रोडक्ट्स जो कि आपके स्किन या हेयर टाइप को सूट नहीं करते प्रोडक्ट्स जिसमें सिलिकॉन ज़्यादा होता है दीज आर द काजेज ऑफ यू नो स्प्लिट एंड्स जो आपके क्यूटिकल को डैमेज करते हैं सो टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ साथ ही मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा बिकॉज हर एक का ट्रीटमेंट स्पेसिफिक है स्टार्ट विद सम जनरल टिप्स आपको एक वाइट टूथ कोम या हेयर ब्रश यूज करना चाहिए कभी भी गीले बालों पे कोई मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए जो हेयर ड्रायर है उसका टेम्परेचर लो सेटिंग पे रखिए यूज लो हीट टूल्स स्लीप न्यूट्रिशन एंटीऑक्सीडेंट्स शुड बी यू नो इसमें आपको हर सेशन में हम बोलते हैं दी शुड बी टेकन केयर ऑफ एंड यू नो ज्यादा से ज्यादा आपको इंटेंसिव मॉइस्चराइजिंग भी करनी है नॉट ओनली एक्सटर्नल मॉइस्चराइजिंग जो मैं आपको बताऊंगा uh, मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं जिसके तहत मैं आपको समझाऊंगा कि ये स्प्लिटेंट्स कैसे बनते हैं सो देर आर सिक्स टाइप ऑफ स्प्लिटेंट्स हम माइल्ड से शुरू करेंगे जैसे जैसे स्प्लिटेंट का ग्रेड बढ़ता रहेगा द ट्रीटमेंट इज मोर एंड मोर इंटेंसिव सो द फर्स्ट इज कॉल्ड मिनी ये एक अर्ली स्टेप होता है जहां पर आप देखेंगे सिर्फ ऊपर से शाफ्ट uh, अलग होना शुरू हुआ है इट इज एन अर्ली स्प्लिट एट दिस पॉइंट अगर आप सिर्फ एक अच्छा कंडीशनिंग रेजिमेन यूज करेंगे तो भी इट इज गुड इनफ टू यू नो रिगेन योर हेयर द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड द बेसिक स्प्लिट जहां पे स्प्लिट थोड़ा सा और अबाउट फोर्टी परसेंट तक स्प्लिट हो गया इसमें आपको थोड़ा सा इंटेंसिव मॉइस्चराइजिंग यूज करना पड़ेगा मे बी वंस अ वीक डीप कंडीशनिंग टू हेल्प इट नेक्स्ट इज कॉल्ड स्प्लिट जहां पर इतना डैमेज हो चुका है कि आपको ट्रिम भी करना पड़ेगा एंड यू है इंटेंसिव मॉइस्टराइजर है एल्फा या ओमेगा फैटी एसिड द फोर्थ टाइप इज द ट्री टाइप ट्री टाइप में जैसा कि आप देख सकते हैं डैमेज काफी नीचे तक जा चुका है एंड देर आर ऑलमोस्ट फाइव स्प्लिट्स जहां पर आपका फाइबर टूटा है सो so, इसमें आपको ट्रिम करना ही करना पड़ेगा अलॉन्ग विद दैट इंटेंसिव मॉइस्चराइजिंग थेरेपी यू माइट नीड टू 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 इवन हैव टेक सम ओरल मेक थिंग्स बेटर जो नेक्स्ट टाइप है उसको हम बोलते हैं कैंडल अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो कॉटेक्स जो मैंने आपको कॉटेक्स दिखाया था वो प्लस जो कवर है क्यूटिकल दोनों ही जा चुके हैं एक पतला सा स्टैंड बाकी है विच इज अ अमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग हेयर दिस इज नॉट अ प्रॉपर हेयर जो अपने आप ग्रो कर पाए तो इसका ओनली ट्रीटमेंट इज टू कट अगर आपके हेयर इस स्टेज पे आ चुका है तो इट इज ऑलरेडी वेरी लेट यू नीड टू गेट अ प्रॉपर ट्रिम डन एंड आपको रीस्टार्ट करना है विद अ गुड इंटेंसिव मॉइस्चराइजिंग थेरेपी जैसा कि मैंने आपको बताया जो कि आप नेचुरल मॉइस्चराइजर से भी कर सकते हैं सेरेमाइट बेस्ड प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं यू नो देर आर हेयर मास्क विच आर अवेलेबल विच यू कैन यूज फॉर दिस एंड लास्टली वंस अ वीक डीप कंडीशनिंग विच यू कैन डू विद समथिंग एज सिंपल एज कोकोनट ऑयल और वट एवर अदर ऑयल सूट्स यू बट ध्यान रहे वो ऑयल शुड भी वर्जिन कोकोनट ऑल नॉट जस्ट एनी कोकोनट ऑल नाउ इज नॉट टाइप ऑफ स्प्लिट द नॉट बट हाइव एडेड दिस हेयर बिकॉज पीपल हु हैव कर्ली हेयर वो मेरे पास आते हैं विद डीज काफ थिंग्स दे हैव नॉट एंड वेन यू कोम थ्रू द नॉट वो मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है और वो हेयर ब्रेक हो जाता है सो so, इसमें आपको कर्ली हेयर

there is no doubt in my mind you know you should be reassured that definitely your hair will become moisturized again and you will not have damaged hair or split ends after all you know uh, there's a saying that uh, good hair beautiful hair is healthy hair so hair have to be healthy for all these things to work and this health starts right at home until next time take care of those hair thank you